नागों के राजा तक्षक का तक्षकेश्वर मंदिर मंदसौर जिले का ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश में भी प्रसिद्ध है। ये स्थान प्राकृतिक रूप से सुंदरता बटोरे हुए है। भानपुरा से 22 किलोमीटर दूर हिंगलाज रोड पर ग्राम नावली में यह स्थित है। यहाँ हर मौसम में पर्यटकों का आवागमन लगा रहता है। क्षेत्रीय लोग इसे ताखाजी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ नागराज तक्षक की प्रतिमा पत्नी और पुत्र के साथ है। उनके एक हाथ में मानव सिर को दिखाया गया है और ये प्रतिमाएं 8वीं सदी की बताई जाती हैं। तक्षकेश्वर मंदिर भारतीय कला और संस्कृति का गौरवशाली पुरातात्विक स्थल है। यहाँ पर एक नदी के रूप में झरना प्राकृतिक कुंड पर गिरकर भव्य प्रताप बनाता है जो कि देखने लायक है। ताकेश्वर जी महाराज का स्थान है। बहुत ही श्रद्धा और भाव से भक्ति से लोग यहाँ आते हैं और अपने बेर चढ़ाते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और भगवान सबकी मनोकामनाएं सिद्ध करते हैं। और हमें यहाँ के बस इनसे यही प्रार्थना है कि ऐसे ही यह स्थान की सुंदरता और प्राकृतिक बनी रहे और भगवान जी आज सबकी मनोकामना पूरी करें। ताकेश्वर महादेव मंदिर की अधिक महिमा यहाँ पास के क्षेत्र राजा और श्रद्धालु लोग आते जाते रहे। यहाँ विशेष महिमा इस कुंड की है। लोग स्नान का भक्त है जो स्नान के लिए आते रहते हैं। वो बाकी अखंड कुंड माना जाता है जिसमें नागराज तक्षक का गुप्त स्थान है। वो यहाँ ताकेश्वर महादेव मंदिर है जो ताकाजी महाराज ने स्वयं शिव जी की स्थापना की, तो उसको भी रुद्राभिषेक करने हम लोग आते जाते रहते हैं। वो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अति मोहित करती है। धनवंतरी जी की ये कर्मशाला मानी गई है। पूरा औषधि क्षेत्र है। यहाँ हर एक चीज जड़ी बूटी है और हर एक बीमारी का निवारण मिल जाता है।